हेलो फ्रेंड्स, पीएचडी सेकंड ईयर के सभी फ्रेंड्स का आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। फर्स्ट पेपर अपना चल रहा है थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिक्स का। इसमें फोर पीरियड चल रहे क्लासिकल स्टैटिक्स और इसमें अपन पढ़ रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊष्मा के प्रायिकता। थर्मोडायनामिक्स प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रही थी तुम्हें। इसी स्थूल अवस्था के संदर्भ कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कहलाती है ऊष्मा गति प्रायिकता। इसको डायनामिक संख्या कहते हैं। एन क्या है? कुल गलनांक की संख्या बटे पाई आई एप्सिलॉन एन है। एन आई इसी आई की कोशिका में परमाणु संख्या होती है या जिसको अपन लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन बटे किसी कला निर्देशन क्लास में किसी कला निर्देशन क्लास में पुस्तिका का आयतन एच क्यू पिछले क्लास में समझाया था मैंने। सिद्धांत के आधार पर एक पुस्तिका का आयतन एच क्यू होता है और निकाय का आयतन बी है। पुस्तिका में अल्पांश आयतन होता है उसको हम सूक्ष्म अल्पांश आयतन मानते हैं। निकाय का आयतन बी है तो याद कीजिए नंबर एक बराबर जीरो से इके मध्य जीरो से इके मध्य तो जीरो से की परास है ऊर्जा परास है। जीरो से की ऊर्जा परास है कणों की संख्या और नंबर दो ज्ञात करना है ऊर्जा परास ई एवं प्लस बी में कणों की संख्या। कणों की संख्या है अणु की संख्या एक बार इसका सॉल्यूशन देखें हमारे तो जीरो से बी ऊर्जा परास कणों की संख्या ऊर्जा परास बी और ई प्लस बी में कणों की संख्या। क्योंकि यदि त्रिविमीय आकाश ले अल्पांश की डिमांड सूक्ष्म अल्पांश अपन लेते हैं। अगर अल्पांश की डिमांड त्रिविमीय आकाश की डिमांड क्या होगी डी एक्स और डी वाई डी जेड है तो इसका आयतन अल्पांश का आयतन के रूप में अपन डी वी बराबर dx dy dz निकाय का कुल आयतन कैसे लिखेंगे? समाकल करना होगा इसको। निकाय का कुल आयतन b बराबर तीन विमान हैं जिनमें अकॉर्डिंग समाकल करना पड़ा तो लोकल इंटीग्रेशन dx dy और dz। अब अगर कला निर्देशन क्लास में अल्पांश आयतन क्या होते हैं? पुस्तिका कला निर्देशन क्लास में
पांच आइटम जो बोलते हैं अपन औषधि का, इसको बी और से दिखा दिया है। सर्टिफिकेट में होता है अपना रहने से बात नहीं कर, पांच आइटम अपन लेते हैं वो कैसे होता है सर्टिफिकेट में। मैं बी एस बी पी एस बी वाई कुल कोष्ठिकाओं की
कणों की संख्या कणों की संख्या के बराबर है। एन से दिखाएं किस तरह आएगा, संपूर्ण निकाय का आयतन जो है, संपूर्ण निकाय का आयतन न्यूनतम बटे एक कोशिका का आयतन, एक कोशिका के आयतन का अगर संपूर्ण आयतन भाग दे दिया कोशिकाओं की संख्या आ जाएगी, संपूर्ण निकाय का आयतन हमारे पास है 4/3 πb और 2 mb/m², और कोशिका का आयतन कितना है h³, कुल कणों की संख्या ये हो गई। पहला जो क्वेश्चन नंबर एक लिखा था वो ज्ञात हो गया। अब मैं नंबर दो, ऊर्जा प्रकाश ई एवं ई प्लस बी बी में अणुओं की संख्या अगर ज्ञात करनी है, अणुओं की संख्या अगर ज्ञात करनी है इसका अवकलन कर दो dm बराबर, तो कॉन्स्टेंट जो ऐसे से लिख दो 4/3 πb / h³ 2 mb/m² भी ऐसे से लिख दो और ई की घात 3 का अवकलन होगा 3/2 × 1 − 1 कितना जाएगा 1/2 एक्स का लेंगे वन अवकलन एन इंटू एक्स का लेंगे माइनस वन 3/2 घात है 3/2 × 1 − 1 कितना 1/2 कितना हो जाएगा डी डी एन बराबर हो गया 3 से 3 काट सकते हैं 2 से 1 2 3 4 2 πb/h³ या 2 को अपन बाहर लेते चाहे तो 2 की घात 1 है 1 को बाहर निकाल के 4 लेते आधी रह जाएगी और n की घात 1 है 1 m में यहाँ लिख दो और बाकी को 2 m की घात कर जाएगी 1/2 एक ही घात निकाला था या नहीं एम की हार गेट थी एक एम दिया थी दो की हार दिया और एक थोड़ी बदल दी चार ये अपन ऊर्जा प्रकाश की और ई प्लस बी में कणों की या कोशिकाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्या मैक्सवेल बोल्ट्जमान विकर्ण नियम, मैक्सवेल बोल्ट्जमान विकर्ण नियम क्या नियम है, इस नियम के अनुसार कला निर्देशाकाश में कला निर्देशाकाश में किसी विशिष्ट वस्तु का, विशिष्ट का मतलब कोई भी आईवी वस्तु का, आईवी वस्तु का में अधिकतम ऊष्मागतिक प्रेरकता की अवस्था में, अधिकतम ऊष्मागतिक प्रेरकता की अवस्था में कणों की संख्या निम्न होगी। हमारे एन आई बराबर एन अपॉन जेड ई की घात
बीटा बराबर है वन अपॉन ए टी, और जेड समीकरण में हमने बताया कि पहले कर चुके हैं अपन समीशन ऑफ ए टी का माइनस बीटा पी है, एन आई बराबर अपन लिख सकते हैं एन ए टी का माइनस बीटा पी आई बटे समीशन ऑफ ए टी का माइनस बीटा पी आई। इसमें एक्चुअली कंडीशन भी है, यदि ऊर्जा स्तर की संख्या पी आई है, यदि ऊर्जा स्तर की संख्या पी आई है तो एन आई बराबर होगा एन अपॉन जेड जी आई माइनस बीटा पी आई। दोनों कंडीशन है, कोई भी एग्जाम में एक भी पूछे कोई भी एक सवाल कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, अपना नियम में नंबर लिखेंगे प्रूफ एक का कर सकते हैं। पहले नंबर एक को प्रूफ करेंगे अपन, यहाँ प्रूफ लिख देते हैं अपन इसका, तो चूंकि उष्मा गति का अभी मैंने बताई थी क्या होती है उष्मा गति प्रायिकता घनत्व बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन पाई आई फैक्टोरियल एन, या इसका मतलब क्या होता है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल एन थ्री जितनी भी कोशिका है सबका इसका लॉग लेंगे तो लॉग डब्ल्यू बराबर क्या जाएगा लॉग ऑफ फैक्टोरियल एन बटे में माइनस। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग है प्लस में होंगे सारे तो प्लस वालों क्या कर सकते हैं समीशन करके रख सकते हैं लॉग ऑफ फैक्टोरियल एन आई समीशन हो गया आई का मान एक दो तीन दो दो एक भी है डेसिमल वन आ जाएगा तो देखिए फैक्टोरियल एन टू हो जाएगा थ्री जाएगा और समीशन लगा दिया इसका मतलब योग हो गया। इसको अभी लिख देते हैं समीकरण नंबर एक। अब चूंकि हम जानते हैं कि लॉग ऑफ फैक्टोरियल एन स्टूडेंट को सब जानते हैं बराबर क्या होता है एन लॉग एन माइनस एन होता है तो ये वैल्यू ध्यान रखेंगे तो लॉग डब्ल्यू बराबर एन लॉग एन माइनस एन माइनस समीशन में भी वही लिखेंगे एन आई लॉग एन आई और माइनस एन आई। अब इसमें ये समीशन एन समीशन जो एन आई है तो समीशन एन आई मतलब कणों की संख्या जो एन के बराबर है ये एन से समीशन एन आई चल जाएगा समीशन से गुणा होगा नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग डब्ल्यू बराबर हमारे पास केवल एन लॉग एन माइनस समीशन ऑफ एन आई लॉग एन आई। इसको हमने लिख दिया समीकरण नंबर दो। अब इसका अवकलन करो, अवकलन करने पर क्या आएगा डी लॉग डब्ल्यू बराबर अवकलन करेंगे इसका पहले क्या आएगा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से आता है पहले फर्स्ट टर्म कर दिया डी एन और लॉग एन है इस प्लस फर्स्ट पहले जो लगा लॉग एन का मतलब कौन है और एन का डी एन फिर माइनस इसी तरह से यहां निकलना आगे समीशन एज इट इज एन आई का डी एन आई लॉग एन आई एज इट इज प्लस एन आई को छोड़ के लॉग एन आई का वन अपॉन एन आई और एन आई का डी एन आई एन आई एन आई कट गया एन से एन कट गया क्योंकि डी एन का मतलब क्योंकि एन नियत है नियत का कुल ज्यादा जीरो डी एन मतलब जीरो हो गया यहाँ डी एन मतलब जीरो हो गया समीशन ऑफ डी एन आई का मतलब भी क्या हो जाएगा जीरो। केवल क्या बचेगा हमारे पास डी लॉग डब्ल्यू बराबर ये जीरो से गुणा होगा एक जीरो हो जाएगा ये पूरा पद खत्म तो माइनस समीशन डी एन आई और लॉग एन आई केवल ये बचा क्योंकि इसका मान जीरो होगा समीकरण नंबर दिया तीन लेकिन चूंकि समीशन ऑफ
तथा प्रत्येक की ऊर्जा ई आई है, तो कुल ऊर्जा कैसे लिखेंगे, यू बराबर एक कोशिका के अंदर ऊर्जा कितनी होगी, एन आई ई आई, एक की ऊर्जा ई आई, एक भाग की ऊर्जा ई आई, एन आई बराबर ऊर्जा एन आई ई आई, और संपूर्ण निकाय के लिए तो समेशन ऑफ एन आई ई आई। इसका अवकलन करें क्या है, समेशन ऑफ ई आई का कांस्टेंट है, एन आई का डी एन आई, और चूंकि कुल ऊर्जा नियत होती है हमेशा, तो नियत का अवकलन जीरो होता है। समीकरण नंबर 5 लिख दो। अब इसमें अधिकतम प्रायिकता की स्थिति में क्या होता है, अवकलन जीरो होता है, क्योंकि नियम में लिखा है अधिकतम प्रायिकता की स्थिति, अधिकतम प्रायिकता की अवस्था में डी डब्ल्यू प्रायिकता परिवर्तन जीरो, डी ऑफ लॉग डब्ल्यू जीरो, लॉग डब्ल्यू का मान लेगा, ई लॉग डब्ल्यू का मान जीरो, इसको जीरो के बराबर कर दो, माइनस हटा देते जीरो में से, समेशन ऑफ ई एन आई लॉग एन आई बराबर जीरो। तो इसकी समीकरण नंबर 6, चार तीन समीकरण होंगे, 4, 5, 6, इनका आपस में उपयोग करना है। तो समीकरण 4 को गुणा करेंगे माइनस लॉग प्लस, समीकरण 5 को बीटा से गुणा करके समीकरण 6 में जोड़ दो, समीकरण 6 में जोड़ने का, इन ही समीकरणों में राइट साइड में जीरो है, जीरो ही आएगा, 4 को गुणा किया माइनस लॉग अल्फा समीकरण डीएन है, 5 को गुणा किया बीटा से, बीटा समेशन ऑफ ई आई डी एन आई जोड़ दिया, इसमें समेशन ऑफ ई एन आई लॉग ऑफ एन आई, और सभी के राइट साइड में जीरो बराबर जीरो हो जाएगा। अब ये लॉग लॉग वाले के साथ तो समेशन डी एन आई दोनों में कॉमन नहीं, तो लॉग की प्रॉपर्टी से माइनस वाला बटन हो जाएगा, तो लॉग एन आई अपॉन अल्फा, लॉग है तो भी लॉग है, माइनस का है तो लॉग एन आई अल्फा हो गया, और प्लस उसको अंदर ले लो बीटा डी आई समीशन डी एन आई बराबर जीरो, फिर समीशन डी एन आई कॉमन ले लो, समीशन डी एन आई कॉमन हो गया, क्या बचा लॉग एन आई अपॉन अल्फा प्लस बीटा डी आई बराबर जीरो। तो आगे कम करेंगे बराबर जीरो है, तो लॉग नाई अपॉन अल्फा प्लस बीटा पी आई बराबर जीरो ले लिया, अक्षय कर दो लॉग एन आई अपॉन अल्फा बराबर हो गया माइनस बीटा ई आई, और लॉग जब हटाएंगे इनकी घात बन जाएगी, इनकी घात माइनस बीटा ई आई इंटू
नॉट माइनस बीटा के लिए ऐसे भी है ही, इसको अपन ने जेड माना तो जेड के रूप में लिख सकते हैं अपॉन जेड ई की घात माइनस बीटा के लिए, ये हमारा प्रूफ होगा। ठीक है,